हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सत्रित यादृच्छिक प्रतिचयन है और क्लस्टर सैम्पलिंग है, समूह प्रतिचयन है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो डिफरेंस इनके बीच में, बच्चे इनमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और पे क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो मीनिंग में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू होमोजीनियस सेगमेंट्स। कैसे होमोजीनियस? पहली चीज़ तो हमारे जो सेगमेंट बनेंगे वो होमोजीनियस हो गए, ठीक है। हमने यहाँ पर जैसे सेगमेंट, ये हमारी कंप्लीट पॉपुलेशन थी, पहले मिक्स थी, हमने रेड वालों को अलग कर लिया है, ठीक है, और ब्लू वालों को अलग कर लिया। तो पहली चीज़ तो हमारे जो क्लस्टर बन रहा है, जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, सब पॉपुलेशन बना रहे हैं हम, वो हमारे कैसे होने चाहिए? होमोजीनियस, ठीक है। विद इन ग्रुप जो है वो होमोजीनियस है, राइट। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग रेफर्स टू ए सैम्पलिंग मेथड वेर इन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड आ जाता है यहाँ पर, नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स। यहाँ पर जो ग्रुप्स होंगे हम, जहाँ से हम चूज करने वाले हैं, वो नेचुरली अकरिंग होंगे, यानी कि रिसर्चर ने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं ग्रुप्स, वो नेचर ने ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रुप जैसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये नेचर ने बनाया हुआ है, ये एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स है, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विद इन ग्रुप है, विद इन क्लस्टर है, अलग अलग टाइप के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हुआ? हेट्रोजीनियस हो गया, ठीक है, हेट्रोजीनियस। विद इन ग्रुप्स क्या हो गया? यहाँ पर जो मेंबर्स हैं हमारे, सैंपल है, वो हेट्रोजीनियस हो जाता है, राइट। यहाँ पर हमारा होमोजीनियस था, यहाँ पर हमारा हेट्रोजीनियस आ जाता है। पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है, राइट। यहाँ पर कौन डिवाइड कर रहा है? होमोजीनियस सेगमेंट्स में रिसर्चर कर रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर नेचुरली अकरिंग ग्रुप से, नेचर ने ही डिवाइड किया हो उनको, राइट। देन सैंपल, रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम ऑल द स्टेटा। अब यहाँ पर जो सैंपल होगा हमारा, यहाँ पर जितने भी दो स्टेटा जैसे हमने बनाए हैं, ये इन दो स्टेटा से फिर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। हमने बोला था कि हम सिंपल रैंडम टेक्निक्स लगाते हैं और फिर इनमें से सपोज कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको कर लिया, यहाँ से इसको कर लिया, तो रैंडमली सिलेक्शन होता है फिर विद इन ग्रुप से, राइट। जबकि क्लस्टर में क्या करते हैं? ऑल द इंडिविजुअल आर टेकन फ्रॉम द रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर। यहाँ पर जितने भी क्लस्टर हैं ना, इन क्लस्टर में से हम रैंडमली क्लस्टर चूज करते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट। सपोज करो हमारा ये क्लस्टर सिलेक्ट हो गया, फिर हमने ये वाला सिलेक्ट हो गया रैंडमली, तो ये दो क्लस्टर में जितने भी मेंबर है, इसके थ्री मेंबर तीनों के तीनों, इसके थ्री मेंबर तीनों के तीनों, तो यहाँ से हमारा सैंपल छः मेंबर्स का बन जाएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर तो कुछ ही मेंबर आएंगे क्लस्टर में से, यहाँ पर कंप्लीट क्लस्टर यानी कि ऑल मेंबर्स के साथ हमारा क्लस्टर जो है सिलेक्ट हो जाता है, राइट। देन सिलेक्शन पॉपुलेशन एलिमेंट्स, यहाँ पर इंडिविजुअली हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल को चूज किया जा रहा है, यहाँ पर कलेक्टिवली हो रहा है, मतलब पूरे के पूरे क्लस्टर को ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। होमोजीनिटी की बात करें तो जैसे हमने बोला कि विद इन ग्रुप यहाँ पर होमोजीनिटी होती है, राइट, यहाँ पर विद इन ग्रुप होमोजीनिटी होती है, जबकि यहाँ पर हमारी बिटवीन ग्रुप्स होमोजीनिटी होती है। ये जो ग्रुप्स है ना, ये आपस में होमोजीनियस होते हैं, ठीक है, ये आपस में होमोजीनियस होते हैं, राइट, ठीक है। यहाँ पर होमोजीनिटी बिटवीन द ग्रुप होती है, ना कि विद इन द ग्रुप। हेट्रोजीनिटी की अगर बात करें तो यहाँ कहाँ होगी हेट्रोजीनिटी? हेट्रोजीनिटी क्या है? यहाँ पर बिटवीन द ग्रुप्स है हेट्रोजीनिटी, अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग टाइप का है, जबकि क्लस्टर में हेट्रोजीनिटी कहाँ होती है? विद इन द ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर ही हेट्रोजीनिटी होती है, यहाँ पर हेट्रोजीनियस सैंपल होता है हमारा अंदर, राइट। बाइफर्केशन की अगर बात करें, इम्पोज बाय द रिसर्चर, यहाँ पर बाइफर्केशन जो होता है, यानी कि जो डिवीजन होता है, हम कैसे ये स्टेटस बना रहे हैं, या कौन बना रहा है? ये रिसर्चर बना रहा है, रिसर्चर बाइफर्केट कर रहा है, ठीक है। बट हमारे क्लस्टर में क्या हो रहा है? नेचर ही कर देती है उसको बाइफर्केशन, ठीक है, हमें नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं, राइट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? टू इंक्रीज प्रिसीजन एंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो प्रिसीजन है या हमारा जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज करना। जबकि क्लस्टर में क्या होता है हमारा? टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। यहाँ पर कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है, पूरे इंडिया पे स्टडी ना करके हम इंडिया के कुछ स्कूल्स पे स्टडी करते हैं, फिर स्कूल्स तक आ जाते हैं, तो वो क्या है? कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है हमारी और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है कॉस्ट और एफिशिएंसी पे होता है, जबकि यहाँ पर हमारा प्रिसीजन एंड रिप्रेजेंटेशन पे होता है, राइट। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यानी जो स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन है, और क्लस्टर सैम्पलिंग है, समूह प्रतिचयन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये पूरी पूरी टेबल जो आपके ना
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।